नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा। आज इस बुलेटिन में बात होगी, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री, बिहार में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री से होगी पहली मुलाकात, गया में दिव्यांग की मॉब लिंचिंग, रात को भटकते हुए बगल के गांव में चला गया था दीपक, लोगों ने चोर समझकर पीट पीट कर मार डाला, आरा में एक के बाद एक कई सिलेंडर फटा, विस्फोट से दहल उठा शहर, दिल्ली से लौटा पति तो दूसरे के साथ दिखी पत्नी, कुदाल से दोनों की हत्या कर भाग गया युवक। आखिर में चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का बड़ा दावा, पैंगोंग से भारत चीन के सैनिकों की वापसी शुरू। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक और मंत्री पद के लिए अमित शाह से मिलने दिल्ली गए सहनी, और इधर पटना में हो गया विस्तार, नीतीश के मंत्री जनक राम पदभार ग्रहण करने पहुंचे तो अफसर नदारद रहे, चपरासी से लिया बुके, कहा अफसरशाही खत्म करूंगा। सहरसा से युवती अगवा, शादी के 3 माह बाद मायके आई तो प्रेमी ने 2 दर्जन गुंडों संग बोला धावा, भाई को गोली मारी, युवती को घसीटता ले गया। पटना में गांधी घाट पर शुरू होगी गंगा आरती, फिर चलेगा एमवी विहार। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार की दोपहर 12:30 बजे दिल्ली रवाना हो गए। 2 दिन तक वे दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की यह पहली मुलाकात होगी। केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए यह मुलाकात खास है। नीतीश कुमार अब केंद्रीय नेतृत्व पर मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू की अनुपातिक हिस्सेदारी की शर्त को पूरा करने का दबाव बना सकते हैं। गया में भीड़ ने चोर समझ एक दिव्यांग की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। घटना डोबी के कुशापी गांव की है। मृतक का नाम दीपक है और वो बगल के लेन बोगरा गांव का रहने वाला था। वह मानसिक रूप से दिव्यांग है और उस रात को भटकते हुए अपने गांव से कुशापी पहुंच गया था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और उसके शव को अपने कब्जे में ले ली। आरा शहर में बुधवार की सुबह खेतारी मोहल्ले के एक घर में कई गैस सिलेंडर एक के बाद एक फट पड़े। इस हादसे के बाद पूरा घर आग की चपेट में आ गया। गैस सिलेंडर के फटने से आसपास के घरों में दरवाजे और खिड़कियों के शीशे चटक गए। लोगों में अफरा तफरी मची रही। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंच गई और आग को बुझाने में जुट गई। नालंदा में एक पति ने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ देख दोनों को कुदाल से काट डाला। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान सबलू कुमार की पत्नी रेखा देवी और हिलसा के धर्मपुर निवासी निशांत कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। हत्यारा पति सबलू कुमार को पुलिस खोज रही है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी मंत्रिमंडल विस्तार में अपने अलावा अपने पार्टी से एक और मंत्री पद की फरियाद लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने सोमवार को दिल्ली गए और इधर मंगलवार को बिहार में बीजेपी जदयू ने मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया। सहनी को दिल्ली में यह खबर लगी और वह आ नहीं सके क्योंकि औपचारिक जानकारी भी मंगलवार सुबह को दी गई। अब इस घटनाक्रम से सहनी की नाराजगी और भी बढ़ गई है। बिहार के नवनियुक्त खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का पहला दिन बहुत अच्छा नहीं रहा। आज जब वे अपने विभाग में निर्धारित समय से पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे तो महकमे का एक भी अधिकारी उनका स्वागत करने नहीं आया। इससे उनका पारा चढ़ गया। काफी देर तक मंत्री जी ने अपने महकमे के प्रधान सचिव से लेकर दूसरे आला अधिकारियों का इंतजार किया, फिर थक हार कर कार्यालय के ही एक चपरासी से बुके लेकर अपना और उसका मान बनाया। पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री जनक राम ने कहा कि वे अफसरशाही को खत्म करके रहेंगे। आज की घटना की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। सहरसा में एक कथित प्रेमी ने 3 महीने पहले ब्याही युवती को अगवा कर लिया। युवती ग्रेजुएशन की परीक्षा देने के लिए सहरसा के सदर थाना के कृष्णनगर वार्ड नंबर 22 स्थित मायके आई थी। कथित प्रेमी उससे मिलने पहुंचा था। युवती के घर वालों ने उसे पकड़ लिया तो युवक ने 2 दर्जन लड़कों को बुलाकर कई राउंड फायरिंग की और फिर युवती को घसीटते हुए उठाकर ले गया। शादीशुदा बहन को उठाकर ले जाने से रोकने पर गुंडों ने उसके भाई को गोली मार दी। शिक्षा विभाग ने बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं लाइब्रेरियन के लिए नई सेवा शर्त नियमावली में प्रावधान किए गए स्टडी लीव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके तहत बीएड के लिए स्टडी लीव तो मिलेगी लेकिन लीव के दौरान का वेतन नहीं मिलेगा। पहले वेतन मिलता था। सेवा काल में सिर्फ एक बार ही शिक्षक स्टडी लीव ले सकता है और योगदान के 3 साल बाद ही इसका लाभ लिया जा सकता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। पटना में पॉलिटेक्निक के एक स्टूडेंट का अपहरण हो गया है। स्टूडेंट का नाम सुमित पाठक है। उसके पिता संतोष कुमार पाठक दरभंगा के मूल निवासी हैं। पटना में राजीव नगर के रोड नंबर 18 में रहते हैं। सुमित बुधवार की सुबह 8 बजे के करीब घर से निकला था। सुबह 10:30 बजे पहले उसके पिता और फिर भाई के मोबाइल पर सुमित के नंबर से ही मैसेज आया। मैसेज में 10 लाख रुपए बतौर रंगदारी मांगी गई थी।
नवनियुक्त पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने पदभार संभालते ही कामकाज शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कोरोना काल के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए पटना के गांधी घाट पर फिर से गंगा आरती शुरू कराने व पर्यटकों को गंगा की सैर कराने के लिए MV विहार जहाज के परिचालन का निर्देश दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस बीच कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मोदी के डेढ़ घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष ने 8 बार हंगामा किया। 6ठी बार हंगामे के बाद मोदी तल्ख हो गए और बोले कि यह ज्यादा हो रहा है। PM ने कहा कि किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का काम आंदोलनजीवियों ने किया है। देश को आंदोलनजीवियों से बचाना जरूरी है। किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया को लेकर सरकार की सख्ती के चलते ट्विटर ने 500 अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। सरकार ने ट्विटर को कई विवादित अकाउंट्स और हैशटैग हटाने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में ट्विटर ने एक्शन लिया। सोशल मीडिया कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है वे कंपनी की पॉलिसी का वायलेशन कर रहे थे। 5 महीने की तीरा के जिंदा रहने की उम्मीद अब बढ़ गई है। SMA टाइप 1 बीमारी है जिसका इलाज अमेरिका से आने वाले ज़ोलगेंसमा इंजेक्शन से ही मुमकिन है। यह करीब 16 करोड़ रुपए का है। इस पर करीब 6 करोड़ रुपए टैक्स अलग से चुकाना होता, तब इसकी कीमत 22 करोड़ रुपए हो जाती। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर PM नरेंद्र मोदी ने टैक्स माफ कर दिया है। इंजेक्शन नहीं लगने पर बच्ची बमुश्किल 13 महीने और जिंदा रहती। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज ठाकरे के MNS भविष्य में BJP के साथ आ सकती है। फडणवीस के इस संकेत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण बनाने का नींव रखी है। हालांकि अब तक इस चीज पर कोई पुख्ता मसौदा तैयार नहीं हुआ है। फडणवीस का कहना है कि अगर मन से हिंदुत्व के साथ साथ गैर मराठी लोगों को अपने साथ जोड़ती है तो वे हमारे साथ आ सकते हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देश सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ता भी कर चुके हैं। इस बीच चीन की प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि दोनों देश पेंगोंग झील की उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपनी अपनी सेनाओं को हटा रहे हैं। हालांकि चीन के इस दावे पर भारतीय सेना की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।